दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ समरी ऑफ द ओपन विंडो चैप्टर। सो ये जो चैप्टर है ये पूरा बस घुमाता है एक आदमी के पीछे जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन लिटिल। सो उसको एक न्यूरल डिजीज था और वो उसे जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उसे छुटकारा पाना चाहता था। तो जब उसने डॉक्टर के पास किया और उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए इस डिजीज को भगाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एक गांव वाले इलाके में जाना चाहिए, रूरल रिट्रीट में, और वहां पर तुम्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम रहता है, इसलिए नॉइस पॉपुलेशन भी कम होगा और लैंड पॉपुलेशन भी कम ही होगा, इसलिए वहां पर तुम्हें कोई ज्यादा परेशान करने वाला होगा नहीं, तो तुम वहां पे जाओ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। तो जो मिस्टर नटल थे वो ज्यादातर अपना लाइफ स्पैन वो एक सिटी में बिताए थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जो वहां पे गांव में कौन से लोग रहते हैं, मुझे किनके पास जाना चाहिए। तो उनकी एक कजन थी, वो अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ वो एक गांव में बिताई थी। तो मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल ने सोचा कि अगर वो उससे बात करेंगे इस गांव के मुद्दे के बारे में तो उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो मिस्टर लिटिल अपने कजन के घर पे गए और उसकी जो कजन थी वो बोली कि मेरे कुछ अच्छे से रिलेशनशिप्स बने थे कुछ लोगों के साथ जो बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और मैं भी यही मानती हूँ कि वो तुम्हारे भी हेल्प करेंगे। इसीलिए मिस्टर नटल ने बोला कि ठीक है, अगर तुम उन पर इतना विश्वास करती हो तो तुम उनके नंबर, फोन और एड्रेस मुझे लिख के दे दो। तो जो उसकी कजन थी उन्होंने सारे डिटेल्स उनके उनके नाम लिख कर मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल को दे दिए। तो जो मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल थे उन्होंने जो लिस्ट में नंबर वन पे था उसके घर जाने के बारे में सोचा। तो जब फ्रैंकलिन लिटिल उसके घर पे नॉक नॉक किए तो एक ज्यादा बूढ़ी या ज्यादा एवरेज ओल्ड कोई लड़की या लड़का है वहां नहीं आया सामने, एक छोटी सी एक गर्ल बाहर आई और लेटर कन्वर्सेशन से उनको बाद में पता चला कि उसका नाम वेरा है। तो जब वो गए और वेरा ने उनको बोला कि आप मेरे साथ आइए, आप सोफा में बैठिए, हम दोनों बात करेंगे और जब तक मिसेस सैपल्टन मेरी आंट नीचे नहीं आ जाती है। तो वेरा गई उसके साथ सोफा में बैठी और ऐसी बात करने लगी और वेरा ने शुरू किया कि बस 3 साल पहले इसी दिन पर एक ट्रेजेडी हुआ था मेरे अंकल के का और एक उनके डॉग का। तो उन्होंने जो मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल थे वो घबरा गए और उन्होंने वेरा से पूछा कि किस तरह का ट्रेजेडी, कौन सा ट्रेजेडी। तो वेरा जो थी उसने बोला कि ठीक इसी दिन के 3 साल पहले वो स्नाइप शूटिंग पे गए थे कुछ बर्ड्स के लिए और वो जो इलाका था वो पूरा मट से भरा हुआ था और वहां पर मट के बीच में एक दलदल आ गया था और उन्हें वो दिखा नहीं, और वो दोनों मेरे दो अंकल और उनका डॉग स्पैनियल वो भी उस दलदल के बीच में फंस गए और वहां वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो जो मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल थे वो बहुत डर गए, सहम गए कि नहीं यार अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, मैं इस जगह पे आया ही क्यों, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस जगह पे। तो ऐसे मिस्टर फ्रैंकलिन लिटिल और ज्यादा बात करने लगे, कन्वर्सेशन को बढ़ाने लगे और ऐसे ही वेरा भी सोच रही थी कि ठीक है ऐसे बात करते हैं। और जो वेरा थी एक बात बोला भूल गया कि वो बहुत चालाक थी, क्लेवर थी। अब किस मामले में क्लेवर, वो जो भी गेस्ट आते थे उनके घर पे उनको फेक स्टोरीज बताती थी, मतलब जो अभी जो उसने स्टोरी बताई वो भी एक फेक था और ऐसी स्टोरीज बनाती थी। पर वो ऐसा काम करेगी कि दूसरे का, ऐसा निर्दय आदमी कौन हो सकता है दूसरे का जो भला नहीं चाहता। तो जो वेरा थी उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बदमाश थी, शैतान थी, वो दूसरों को ट्रबल में देखकर उनको अच्छा लगता था। मैं तो ऐसा नहीं, खैर कमिंग टू द स्टोरी, जब वेरा वहां पर उनसे ज्यादा बात कर रही थी वो फिर से बोलने लगी कि
आज अभी जो इवनिंग चल रहा है, वैसे कुछ जब क्वाइट इवनिंग्स होते थे उस समय, तो जो फ्रैंटन हटल था, फ्रैंटन हटल थे, उन्हें दिन में लगा कि घोस्ट आते हैं घर के अंदर। मतलब उन्हें सोचा कि वेरा ये बोलने वाली है, वैसे सोच ही रहे थे और वेरा आगे बोलने ही वाली थी कि मिसेस सैपल्टन, वेरा की आंट, उस रूम में रश होके आई और बहुत सारे अपोलोजीज के साथ कि मैं लेट हो गई, मैं मेकअप कर रहा था, मुझे कुछ मेकअप कर रही थी, मुझे कुछ काम आ गया था, तो ऐसा बहुत अपोलोजीज वो मांगी। और फिर ऐसे वो बात कर रही थी एक दूसरे के बीच में, और जो फिर मिसेस सैपल्टन मिशन रिटल को बोली कि यू डोंट माइंड दैट ओपन विंडो, तो मिसेस नेटल बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यार वेरा भी इसी के बारे में बात कर रही थी, मिसेस सैपल्टन भी इसी विंडो के बारे में बात कर रही है, इसमें है क्या, कहीं वेरा का कहानी सच तो नहीं है, वेरा की कहानी सच तो नहीं है। फिर मिसेस सैपल्टन बात तो कर रही थी मिसेस नेटल से, तो उनका जो ध्यान था, मेन फोकस था, वो उस ओपन विंडो की तरफ था, तो और थोड़ा सा बात करने लगी, पर वो मतलब ऐसे चिल मूड में थी, हाँ ठीक है कोई आदमी। पर अच्छा, और मिस्टर नटल फिर कुछ बात बोलने ही वाले थे, और फिर मिसेस सैपल्टन पूरे एकदम अलर्ट अटेंशन में आ गई, मिस्टर नटल के बात के पीछे नहीं पर उस विंडो के पीछे और ज्यादा अटेंशन में आ गई, और बोली कि आ देर दे आर दे हैव कम नाउ मिस्टर नटल सी। तो मिस्टर नटल, उन्हें क्या हो गया, घोस्ट आ गए उनके। और फिर इवनिंग का समय था और सूरज के बीच में से, जो सूरज ढल रहा था उसके बीच में से तीन फिगर्स आते हुए उनको दिखाई दिए, तीन फिगर्स, और तीनों के जो हाथ थे उनमें गन्स गन्स थे, जो स्नाइप शूटिंग के बाद वो आ रहे थे। और फिर जो मिस्टर नटल थे वो फिर वेरा की तरफ देखे, और वेरा तो एक्टिंग करने में माहिर थी, वो एकदम टेरिफाइड फेस के साथ उनको देख रही थी कि ये क्या हो गया, नहीं वो तो जिंदा हो गए। ये बस एक कहानी था, पर वेरा को और थोड़ा सा बदमाशी करना था इसलिए वो ऐसे करने लगी। तो जो मिस्टर नटल थे वो उसने देखा और वो बहुत ज्यादा डर गए। फिर उन्हें दिखाई दिया कि एक डॉगी भी था उनके पास जो आ रहा था आराम से, जिसका नाम स्पैनियल था, मैंने आपको बताया है, वो भी आ रहा था। बस वो बहुत डर गए, उन्होंने अपना टोपी पहना, स्टिक लिया और बस उसी ओपन विंडो को फांगे और बस वहीं से वो भाग गए बिना कुछ देखे हुए। ऐसे कुछ वो देख भी नहीं रहे थे, और वो बस एक साइक्लिस्ट से टकराने ही वाले थे कि वो बस बच गए, बस बाय चांस वो बच गए। और फिर जब वो पीपल थे, जो उनके तीन ब्रदर्स थे, वो अंदर आ रहे थे, और फिर उनमें से एक बोला, बटी व्हाई डू यू बाउंड, तो ये जो सेंटेंस था ये उसने बोला मिसेस सैपल्टन को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मिसेस सैपल्टन थी वो सेंटेंस से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी, इसलिए उसने ये हमेशा बोलते रहता था कि वो चिढ़ी चिढ़े और मुझसे गुस्सा हो, जैसे भाई बहन करते रहते हैं एक दूसरे को, चिढ़ाते हैं गुस्सा करते हैं, वैसे ही मतलब असली में गुस्सा नहीं, भाई बहन जैसा गुस्सा। तो फिर ऐसा ही वो अंदर आए अपने हाथों को इसमें रख के, हाथ में रख के, ताकि उनका जो उनका वो तो स्नैप शूटिंग के लिए गए थे, नीचे पूरा मट था और उनके जूते भी पूरे मट से भरे हुए थे, इसलिए ताकि उनका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा अभी गंदा ना हो, इसलिए वो ऐसा किया। और जो मिसेस सैपल, और वो ओपन विंडो से ही क्यों एंटर होते थे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि जब वो डोर से एंटर होते हैं, जब वो डोर से जब ऐसे जब वो घुसते, तो उनका जो डोर नीचे का मैट था वो पूरा ही मतलब खराब हो जाता था, मैट से एक्सपीरियंस था इसलिए वो खराब हो जाता था, इसीलिए उनको डोर से आने की इजाजत नहीं दी गई थी, वो हमेशा ओपन विंडो से ही आते थे। तो मिसेस सैपल्टन बोली कि यार ये कौन था, इन्हें तो मतलब कुछ थैंक यू भी बोलना नहीं आया, कुछ अपोलोजीज भी नहीं मांगे, बस सीधा भाग गया देखे हुए। वो जो उनके कजन ब्रदर थे वो ही पूछे कि हाँ यार था कौन, बस मुझे देखा और सीधा भाग गया। तो मिसेस सैपल्टन बोली कि हाँ मुझे तो लगा कि इसने कोई घोस्ट देख लिया, कि वो ऐसे भागा, घोस्ट देख लिया। फिर जो वेरा थी वो बोली कि
वो स्पैनियल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें डॉग्स का बहुत डर था। तो मिसेस सैपल्टन ने पूछा, किस तरह का डॉग्स का डर? तो वेरा ने बोला कि जब मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रही थी, जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो मुझे पता चला कि उन्हें एक रात, पूरा एक रात एक न्यूली डग ग्रेव में बिताना पड़ा था, क्योंकि एक डॉग्स के झुंड ने उन्हें बहुत दूर तक दौड़ा दिया था और वो एक ग्रेव तक पहुंच गए थे और वो कहीं भी छुप नहीं सकते थे। और अगर वो उस ग्रेव के अंदर नहीं जाते तो उन्हें बहुत सारे बाइट्स डॉग्स के पड़ जाते, इसीलिए वो जो ग्रेव था उसके अंदर वो चले गए ताकि वो डॉग्स से बच जाए। और पूरा रात उन्हें उसी ग्रेव में बिताना पड़ा था, जो जो डॉग्स थे वो उनके ऊपर रहे थे। तो इससे ही ये कहानी एंड हो गया और मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, होपफुली आपको भी लगा होगा। सो मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेके आपके साथ आऊंगा अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स बिलो कीजिएगा, ताकि मेरा भी दिल अच्छा सुकून पाए। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।